पर खाकर पीकर तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी, हीट पैदा होगी और आसपास के लोग देखो कैसे। अगर इन्फेक्शन हो गया तो हमारे और इनके बीच ये फर्क तो होता ही है शौनक, हमेशा। देवयानी प्लीज, तुम जो मुंह में आए वो बोल रही हो। देखा इसे कितनी फिक्र है तुम्हारे जैसे पुअर लोगों की, और तुम इसका एहसान इस तरह चुका रही हो। पढ़ाई के नाम पर कभी भी उसके कमरे में जाती हो, यहाँ चाय पीने के लिए टपरी पर आती हो, और ये सब कम था क्या कि उसके पास इयररिंग मांग लिए तुमने? वो कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए मांगे थे? हाँ हाँ बताओ ना, इसका जवाब है तुम्हारे पास, बताओ। देवयानी प्लीज, जो मन में आए वो बोला मत करो तुम इस तरह। चलो हम यहाँ से चलते हैं प्लीज, लोग हमें देख रहे हैं। वाओ, तो अब तुम्हें फिक्र हो रही है कि लोग देख रहे हैं एंड ऑल? थोड़ी देर पहले इसके साथ चाय पी रहे थे तब फिक्र नहीं हो रही थी तुम्हें। शौनक मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूँ, तुम्हें तुम्हारे इमेज की फिक्र नहीं होगी, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट मी। मेरी सहेलियों ने अगर इस फालतू लड़की के साथ तुम्हें देख लिया तो वो क्या सोचेंगी, मेरी क्या रिपीटेशन रहेगी उनके सामने? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ? तो हो गई क्या पढ़ाई? हाँ हो गई हमारी पढ़ाई, इसलिए हम चाय पी रहे थे। किस चीज की पढ़ाई की इसे बताने दो। बोलो। वो आई न्यू इट। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ मंजू, तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम हमारी भाषा में क्या कहते पता है? अ गोल्ड डिगर। इंग्लिश सीखती हो ना, इसका मतलब पता है तुम्हें? नहीं? ओके तो फिर लीच। लीच इस शब्द का मतलब तो पता ही होगा ना? तो फिर पैरासाइटर का मतलब पता ही होगा। स्टिल नो? कमाल है, इन सारे शब्दों के लिए यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। यू आर द पैरासाइट इन आर रिलेशन। देवयानी बस, ये सुन रही है इसलिए तुम जो जी में आए बोली जा रही हो। सुनना ही पड़ेगा और तुम्हें भी सुनना पड़ेगा शौनक। इस लड़की की वजह से तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो। अरे कौन है ये, क्या औकात है इसकी? बस स्टॉप इट। देवयानी हम घर चलते हैं, ये सब बोलने की ये जगह नहीं है। या यू आर राइट, हम जैसे लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट्स गो होम। मंजू चलो चलते हैं। व्हाट? शौनक इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम इसे अपने साथ ले? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सर आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। आप जाओ।
मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोलती हूँ ना मैं। शादी के बाद तुम्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा ना शौनक। अरे दीदी, कैसे हैं कुमार भैया की माँ? अब ठीक है। क्या हुआ मंजू दीदी, बहुत थकी हुई लग रही हो, हम चाय बनाकर लाएं? नहीं रहने दे, काम पर जाना है ना। अरे इतना भागम भाग करके क्या ट्रेन पकड़नी है, बैठो ना, हम एकदम कड़क चाय बनाकर लाते हैं। हम जैसे लोगों के नसीब में भाग दौड़ ही लिखी होती है, फिर वो चाहे घर की हो या बाहर की। हमारे यहाँ अगर किसी की जान भी चली जाए ना, तब भी छुट्टी नहीं ले सकते। हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आखिर में वो मालिक है और हम नौकर हैं। दीदी कुछ हुआ है क्या, बोलो ना, जरूर कुछ बात हुई है। गुड्डी हर रोज मुझे कोई ना कोई एहसास दिलाता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ, और गरीब होना गुनाह है। हमारी जिंदगी का सिर्फ इतना ही मतलब है क्या? छोड़, काम पर जाना है, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ये सब कहाँ ले जा रही हो दीदी? गुड्डी मुझे किसी की उधारी रखना पसंद नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता और तुम उस लड़की के साथ जाकर चाय पीती हो, बिस्किट खाते हो। I don't understand, Shaunak, I don't understand। तुम ऐसा क्यों करते हो? I don't know। तुम अभी के अभी इसे इस घर से निकाल दो। अब कुछ बोलोगे भी तुम? देवयानी, अगर तुम शांत हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? और ये बिखरा हुआ सामान भी उठा सकता हूँ? नहीं, मैं शांत नहीं बैठूंगी बिकॉज यू हर्ट मी शौनक। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ बैठा हुआ था। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, मतलब अगर तुम सुनना चाहती हो तो। नहीं सुनूंगी, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी शौनक। और क्या बताना बाकी है तुम्हें? और तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो बैठकर आराम से बताओ, ऐसे तोड़फोड़ की भाषा मुझे समझ में नहीं आती और वैसा मैं करता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम्हें चाय छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए, घर की बाहर की सभी जगह की, और उस टपरी पर की चाय तो तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगे शौनक। अब उसका इससे क्या संबंध है? संबंध है, तुम उस टपरी पर हजार बार उबाली हुई वो गंदी चाय पियोगे और फिर तुम्हें एसिडिटी होगी और वो मुझे नहीं चलेगी। चाय? सीरियसली? ठीक है, अरे लेकिन मैं रोज छाछ पीता हूँ, एप्पल साइडर विनेगर डालकर रोज सुबह पानी पीता हूं, इसलिए मुझे एसिडिटी नहीं होगी। डोंट वरी, और उसके लिए मुझे चाय छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है, तुम्हें चाय छोड़ने की जरूरत है और चाय से एसोसिएटेड सब कुछ छोड़ने की जरूरत है। क्यों? और सबसे ज्यादा एसिडिटी ये चाय से नहीं बल्कि कॉफी पीने से होती है, जो तुम पीती हो मैं नहीं। और ड्रिंक करना भी तो एसिडिक ही है, जो तुम पीती हो मैं नहीं। और इसलिए तुम जो मुझसे कह रही हो कि एसिडिटी के लिए मैं चाय छोड़ दूं, तो तुम्हें भी ये कॉफी और ड्रिंक करना छोड़ना होगा। छोड़ सकती हो? God, I just can't understand you. अब घर की सारी चीजें फेंक कर हो चुकी हैं। अब शांति से बैठकर बात करें। लेकिन उससे पहले मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करूं वो बताओ। You have to say that you love me। क्या? उसका इससे क्या संबंध है? संबंध इतना ही है कि
उसकी अपनी शादी तय हुई है। उसके पहले 5 साल हम दोनों रिलेशन में थे। इसका मतलब अपना लव मैरिज हो रहा है शौनक। सो मुझे आई लव यू कहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने आई लव यू नहीं कहा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये सब बचपना करके हो गया हो तो हम बात करें। नो, पहले बोलो आई लव यू। मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुननी है दैट यू लव मी। से इट। देवयानी, मेरा इन फ्रेजेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज तुम्हें बोलना पड़ेगा शौनक। बोलो आई लव यू। बोलो। नहीं बोलूंगा शौनक। बोलो। नहीं तो। नहीं तो क्या? इस कमरे में फेंकने के लिए और कोई चीज बची है? नहीं तो मैं अभी के अभी बोलो। बोलो नहीं तो ये मैं ही अपने सर पर मार लूंगी। हाँ शौनक, से दैट यू लव मी। से इट। मैडम चाय। मोनिका इज इम्पॉसिबल। अरे हम शादी करके कौन से खानदान में आए हैं? क्या स्टेटस है हमारा? शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उसे कोई सेंस नहीं है। नहीं मैडम, ये आवाज शौनक साहब के कमरे से आ रही है। मतलब शौनक और मोनिका झगड़ रहे हैं? नहीं, मतलब शौनक साहब और देवयानी मैडम का झगड़ा चल रहा है। क्या? देवयानी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बिहेवियर हुआ? और वो भी अपने होने वाले ससुराल में? मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अपने घर में कोई चोरी करने लगा हो तो। मतलब ये सब फिर से मंजू की वजह से हो रहा है ना? जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा झगड़ा करके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्या? नहीं, ये तमाशा मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। मैडम, एक एडवाइस दूं क्या? नहीं, मतलब मालिक चिल्ला रहा है इसलिए मालिक को डांटने से अच्छा चोर का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना मैडम, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तुम जाओ। ये शौनक मंजू की वजह से घर के इतने लोगों को दुख दे रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं है उसे। देशमुख फैमिली के सभी मर्द एक ही जैसे हैं। ये देखो, ये ना मैंने जब ब्यूटी पार्लर की एड की थी ना तभी का फोटो है। मस्त है। एंड वन मोर। हाँ, ये देखो, ये मैंने हेयर ऑयल की एड की थी और शायद उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में थी। अंजू दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और तुमने कहा था ना कि फोटो देखकर होने के बाद मैं तुम्हें दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें 5 मिनट में खाना दूं। हाँ मैडम, आप ना सच में बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। मतलब आजकल की सभी हीरोइन आपके सामने एकदम डाउन मार्केट लगेंगी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो ना। अंजू, तुम मेरी बहुत ही तारीफ कर रही हो। हाँ एना, तुम थोड़ी देर और भूखी रह लोगी तो कुछ होगा नहीं, समझी ना? मेरे जैसे स्लिम रहोगी। हाँ मैडम, आप ना सच में बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। मैंने ना मेरे सारे फ्रेंड्स को बता दिया है कि मैं एक मॉडल के यहाँ काम करती हूँ, इसलिए मेरा भाव और भी बढ़ गया है मेरे ग्रुप में। ओह गॉड। अंजू दीदी। हाँ देती हूँ। हाँ तुम्हें पता है, ऐना होने से पहले मैं इतनी फिट थी ना, थोड़े बहुत मॉडलिंग के भी असाइनमेंट्स किए थे मैंने। और हाँ, मैंने ना एक बहुत बड़े इवेंट का एंकरिंग भी किया था, प्रणव भी आया था उस वक्त देखने के लिए। अपनी होने वाली पत्नी एक मॉडल है, ये बात अपने दोस्तों को बताकर शो ऑफ कर रहा था। एंड वन मोर थिंग, ये अभी है ना, उसे कई गुना ज्यादा मोटा था उस वक्त। मैंने उसे जरा मेंटेन रखा है, यू नो।
मम्मा मुझे सच में बहुत भूख लगी है। आप लोग पाँच मिनट कह के बहुत देर कर रही हो। वैसे मंजू दीदी मुझे कभी भी नहीं करती थी। हर वक्त बस मंजू मंजू मंजू, चार दिन से भूखी हो क्या है ना? अरे क्या हुआ, हुआ क्या, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? कब से हमें परेशान कर रही है, भूख लगी है कह के। जाओ जरा इसे वो बेफर्ज दो, शांत हो जाएगी। मैं? हाँ तुम ही, मैं अंजू से बात कर रही हूँ ना। चलो, इन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो? बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, say that you love me, बोलो। शौनक तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर मैं हर्ट हो गई फिर भी चलेगा ना तुम्हें? अगर मुझे कुछ हो गया फिर भी चलेगा ना तुम्हें? But you can't say that you love me, why शौनक why? देवयानी please शांत हो जाओ please। नहीं मैं शांत नहीं बैठूंगी, पहले बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलो पहले। देखो देवयानी, मैं ऐसे जबरदस्ती से नहीं बोल सकता। अरे वो दिल से लगना चाहिए ना, तो ही मैं बोल सकता हूँ। मतलब अगर मेरी जान भी चली जाती है फिर भी तुम नहीं बोलोगे? नहीं, अगर तुम्हारी जिद होगी तो मैं बोलता हूँ, तुम्हारे तसल्ली के लिए बोलता हूँ, दिल से नहीं। तुम्हें कुछ नहीं लगता इस तरह बात करने के लिए? मैं सच में मार लूंगी शौनक। मैं देवयानी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? देवयानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मॉम, चाहे जो कुछ भी हो, देखो देवयानी अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, देशमुखों की बहू बनने वाली हो, और देशमुख घराने की बहू को ऐसा बर्ताव शोभा देता है क्या? देखो शौनक और देवयानी, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी झगड़ा है, जो कुछ भी डिफरेंसेस हैं, वो कमरे में दरवाजा बंद करके शांति से सॉल्व करो। अरे घर में नौकर लोग हैं, उनके सामने ऐसा बर्ताव शोभा देता है क्या तुम्हें? कल क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, और कल तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगी उन्हें? और नौकर हाथ से बाहर जाने लगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं कि अच्छी तरह से देखा है हमने। मॉम, I'm really very sorry. मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी मॉम, आई एम सॉरी। ठीक है, और एक सबसे जरूरी बात, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी इश्यूज हैं वो शादी से पहले पहले खत्म होने चाहिए। Am I clear, शौनक? देख लिया मॉम मेरे साथ कैसे बात कर रही थी। उनकी बात भी बिल्कुल सही है, मेरी देशमुख घराने की बहू बनने की औकात ही नहीं है। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, नो बड़ी लाइक्स मी शौनक। अच्छा देखो देवयानी, प्लीज तुम पहले शांत हो जाओ। देखो हमें खुद को संभालना चाहिए, फिर इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शौनक प्लीज। देखो देवयानी, तुम मुझे जितना बांध कर रखोगी उतना ही मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे पहचानती नहीं हो। देखो देवयानी, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही गलत चल रहा है, और हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, मतलब जब तुम शांत हो जाओगी तब। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसमें मेरी कुछ गलती होगी या फिर मेरा बिहेवियर गलत होगा, तो फिर हम उसके बारे में बात करते हैं ना। प्लीज चाहो तो तुम मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, सच में वक्त पर आऊंगा। आ गई, आओ। फाइनली एक बात बताओ, अनाहिता को संभालने के लिए दो दो नौकर हैं फिर भी वो भूखी क्यों हैं?
वैसे घूम कहाँ रही थी हा? नहीं वैसे मुझे अच्छे से पता है कि आजकल तुम्हारा क्या क्या चल रहा है। एक बात ध्यान में रखो, तुम यहां काम करने के लिए आती हो, समझी ना? अनाहिता और दादी, इनकी ड्यूटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। हम अंजू कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो यहां पर नहीं है, और तुम भी अपना काम थोप कर भाग मत जाया करो, सब काम हमें करने पड़ते हैं, समझी? अब बस खड़ी मत रहो, जाओ इसे कुछ खाने के लिए दो, जाओ अना, जाओ इसके साथ। सॉरी सर। सॉरी साहब। बेबी मैं नहीं थी तो अंजू दीदी को बोलना था ना खाना देने के लिए, उसे तुम्हारे खाने का टाइम पता नहीं है ना। पर मैंने उसे कहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो मम्मा, और वो पांच मिनट करके बात कर रहे हैं। कड़ी का बड़ा काटा 6 पे से 12 पर गया, फिर भी वो दोनों पांच मिनट ऐसा कह रहे थे। अंजू इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? मैं उससे बात करूंगी, हाँ फिर वो तुम्हें टाइम पर खाना देगी। चलो अब हम चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगी? मुझे जो गिरेगा नहीं, जो खिलाना नहीं पड़ेगा और जो बनाने के लिए वक्त नहीं लगेगा वो मुझे चलेगा। नहीं तो मुझे कल की रोटी दो, नहीं तो सिर्फ ब्रेड दे दो। क्या बासी रोटी, सूखी ब्रेड, ये सब क्या है बेबी? तुम जो सैंडविच बना कर देती हो वो खाते वक्त उसके अंदर सॉस नीचे गिर जाता है और फिर भूत आते हैं मुझे पकड़ने के लिए। भूत? और भूत हमारी स्वीट सियाना बेबी को क्यों पकड़ेगा? भूत जैसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है मुझे पता है, और फिर वो चिमटी भी निकालता है, ये देखो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.